सरमथरा पुलिस की शानदार कार्यवाही, दुकान से चोरी की वारदात का चार दिन में किया पर्दाफाश। सरमथरा की प्रमुख खबर, एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में सरमथरा पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। पुलिस उप अधीक्षक बाड़ी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि आज 15 नवंबर को मुखबिर की सूचना मिली कि एक गाड़ी होंडा सिविक, तीन संदिग्ध व्यक्ति जो दिनांक 12 नवंबर को कस्बा सरमथरा में हुई चोरी में शामिल हो सकते हैं, करौली की तरफ से सरमथरा आ रहे हैं, जिस पर थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा खरेर नदी पुल के पास नाकाबंदी कराई गई। दौराने नाकाबंदी गाड़ी होंडा सिविक करौली की तरफ से आती दिखाई दी, जिसे रेलवे क्रॉसिंग के पास पकड़ा तथा मुलजिम हर सहाय उर्फ भगवान सिंह मीना निवासी मुगलपुरा थाना सरमथरा, गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू मीना निवासी धनेरा थाना सरमथरा तथा आशाराम मीना निवासी भंगीपुरा ससेड़ी थाना सदर करौली जिला करौली को गिरफ्तार किया। मुलजिमों से मौके पर ही चोरी किए गए रुपयों में 3,73,350 रुपए बरामद किए तथा घटना में प्रयुक्त एक चार पहिया गाड़ी होंडा सिविक एवं एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। इस ब्लाइंड केस का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम में देवेंद्र कुमार थानाधिकारी थाना सरमथरा, जगदीश प्रसाद शर्मा एएसआई, राजवीर सिंह कन्हैया लाल हेड कांस्टेबल, नरसी राम कांस्टेबल सीओ कार्यालय सरमथरा, मनोज कुमार सुमेर सिंह विनोद कुमार जसवंत सिंह वासुदेव शर्मा रिक्रूट समुद्र सिंह हरविंद्र सिंह एवं संदीप शर्मा कांस्टेबल थाना सरमथरा शामिल रहे। दिनांक 12 नवंबर 2022 को थाना सरमथरा के पास मोतियापुरा रोड पर एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यापारी जिनका नाम आशु पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल निवासी बीजू की भेर सरमथुरा, जो अपने निवास से करीब 4.25 लाख रुपए एक थैले में रख के लाए थे, वो उस थैले को मोतियापुरा स्थित अपनी दुकान पर रख के पूजा के लिए पानी लेने जाते हैं। इतनी ही समय में कोई एक अज्ञात व्यक्ति वो थैला लेके चला जाता है। इस वारदात को श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा गंभीरता से लिया गया, जिस पर थाने स्तर पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया, जिसमें टीमों द्वारा पिछले 10 वर्षों में जो चालानशुदा जो नकबजनी चोरी लूट डकैती यानी संपत्ति संबंधी अपराधों में जो चालानशुदा व्यक्ति हैं उनकी पूछताछ की गई। कुछ व्यक्तियों के जो संदिग्ध थे उनके सीरियल लोकेशंस निकलवाई गई, पीटीएस का विश्लेषण किया गया। इसी के साथ साथ थाना सरमथुरा क्षेत्र में कस्बा सरमथुरा में जो सीसीटीवी फुटेज से उनको खंगाला गया, फुटेजों का विश्लेषण किया गया और अन्य तथ्यों के सुसंगत तथ्यों के आधार पर हमने मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया और उन आइडेंटिफिकेशन और मुखबिर की सूचना पर जो मुलजिम आज दिनांक 15/11/2022 को सूचना मिली कि तीनों व्यक्ति एक साथ एक कार में सवार होकर के जा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ नाकाबंदी की गई, जिनको नाकाबंदी के दौरान बमुश्किल तमाम जाब्ते के द्वारा पकड़ा गया। तो मौके पर तीन मुलजिम जो उक्त वारदात में आइडेंटिफाइड थे, जो उस वाहन में सवार थे, जिनमें से एक मुलजिम हर्षाय जिसका दूसरा नाम भगवान सिंह, फोर व्हीलर था होंडा सिविक जो कार थी वो भी पुलिस ने बरामद करने में सफलता अर्जित की है, साथ ही मोटरसाइकिल को बरामद किया है। इस तरह से कुल पुलिस के द्वारा जो जब्त की गई रकम है वो कुल रकम 3,73,350 रुपये अब तक जब्त किए जा चुके हैं। शेष रकम और अन्य दिगर अनुसंधान शेष है, मुलजिमों से पूछताछ जारी है और अनुसंधान जारी है। सर्राफा व्यापारी को घायल कर लूटने का आरोपी गिरफ्तार, धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव एवं एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में डिप्टी एसपी सुरेंद्र शांखला के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी अनिल जसोरिया ने कार्रवाई की गई। घटना के अनुसार 7 नवंबर को जेल रोड पर पेच वाले हनुमान जी के पास सर्राफा व्यापारी को मारपीट कर घायल कर रुपयों सोने चांदी का भरा बैग छीनकर बदमाश ले गए थे। उस वारदात का आज कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने खुलासा करते हुए एक वांछित अपराधी सलीम खान पुत्र वशीर खान निवासी गांधीनगर थाना कोतवाली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अपराधी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया के साथ भरत राम हंस राम मुकेश कुमार रविन्द्र सिंह कांस्टेबल शामिल रहे।
विवेकानंद संदेश यात्रा 24 नवंबर को बाड़ी पहुंचेगी। बाड़ी की प्रमुख खबर, आगामी 24 नवंबर को कस्बा में आने वाले स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यात्रा के संयोजक अनिल गोयल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की संदेश यात्रा 19 नवंबर को खेतड़ी से प्रारंभ होकर जिसका शुभारंभ महामहिम उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यह यात्रा स्वामी विवेकानंद जी के विचारों एवं संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिले में जाएगी। यात्रा 23 नवंबर को धौलपुर पहुंचेगी तथा 24 नवंबर को सुबह 9 बजे बाड़ी में प्रवेश करेगी, जिसका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर धौलपुर रोड बाड़ी पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। यात्रा मुख्य बाजार से होती हुई कैला माता के मंदिर तक पहुंचेगी, जहां से यात्रा करौली के लिए प्रस्थान करेगी। इससे पूर्व अग्रवाल धर्मशाला के मुख्य द्वार पर आम सभा का आयोजन होगा। इस यात्रा में स्वामी विवेकानंद प्रतिमा, रथ एवं अन्य झांकियां एवं आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 75 बालक बालिका स्वामी विवेकानंद के स्वरूप में रहेंगे एवं 75 महिलाएं एवं 75 युवा मोटरसाइकिल की रैली के रूप में रहेंगे। बैठक में डॉक्टर शिवदयाल मंगल, प्रमोद गर्ग, कंपनी परिवार, जितेंद्र सिंह जादौन, शिवशंकर बिंदल, रामदास तरुण, भगवान सहाय शर्मा, रामअवतार शर्मा, गोविंद मंगल, दिनेश गुर्जर, धर्मराज गुर्जर, हरिओम जी बंसल, विजेंद्र सोनी, दीपक सिंघल, गिरीश वैद, विष्णु सिंघल, अश्विनी ई मित्र, राहुल कौशल, निर्मला मंगल, रजनी शालिनी, नीतू सिंघल, सरोज मंगल सहित आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। आगामी 24 तारीख को स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का बाड़ी आगमन पर भव्य स्वागत किया जाएगा। इसको लेकर के आज एक बैठक का आयोजन डॉक्टर शिवदयाल मंगल जी के निवास स्थान पर किया गया। यह यात्रा बाड़ी के मुख्य मार्गों से होती हुई यह कैला जाकर संपन्न होगी। स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को लेकर के बाड़ी शहर में आज आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में लगभग 30 कार्यकर्ता जो आयोजन समिति के थे उपस्थित रहे। आगामी 24 नवंबर को बाड़ी शहर में विवेकानंद संदेश यात्रा आएगी। जैसा कि हम सबको पता है, पूरे प्रांत में जो 33 जिले हैं उन सभी जिलों को टच करना है। उसी क्रम में 24 तारीख को जो बाड़ी में संदेश यात्रा आएगी, उसकी सारी रूपरेखा और रचना तैयार की गई और यात्रा भव्य और दिव्य तरीके से निकले, इसके बारे में हम सब ने तैयारियां पूरी की हैं और हमें आमजन का पूरा सहयोग मिलेगा और मैं सभी चले थे शादी में शामिल होने, पहुंच गए हवाला, 6 इनामी बदमाश गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर, बाड़ी सदर थाना प्रभारी हीरालाल को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना कोलारी में वांछित 6 इनामी अपराधी सदर थाना क्षेत्र के डांग इलाके के किसी गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंच रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर थानाधिकारी हीरालाल ने पुलिस टीम के साथ ASI थान सिंह के द्वारा घेराबंदी कर भोलापुरा चौराहे पर सभी 6 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उप अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि SP धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में की गई कार्रवाई के अंतर्गत गिरफ्तार आरोपी इनामी बदमाश पंकज, पुष्पेंद्र, सोनू कुमार, राजेश कुमार, ऋषभ कुमार एवं रामबाबू निवासी मानपुरा थाना कोलारी, जो अवैध चंबल रेता प्रकरण में लगभग 1.5 वर्ष से फरार चल रहे थे, जिन पर SP धौलपुर द्वारा 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सभी 6 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी हीरालाल के नेतृत्व में थान सिंह, ASI पूरन सिंह, सत्यप्रकाश हेड कांस्टेबल, पवन कुमार, भाव सिंह, राजेश कुमार, हल्के राम, ब्रजेश कुमार कांस्टेबल शामिल रहे। करीब 2 माह पूर्व अपहरण की गई महिला को कंचनपुर पुलिस ने किया दस्तयाब। कंचनपुर बाड़ी की प्रमुख खबर, SP धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में जिले की पुलिस पेंडिंग मामलों के निस्तारण एवं अवैध एवं फरार अपराधियों के लगातार गिरफ्तारी में जुटी हुई है। इसी क्रम में गत दिवस कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव कच्चा मठ घड़ी खिराना से लगभग 2 माह पूर्व श्रीमती मुन्नी पत्नी रमेश हरिजन घर से बिना बताए गायब हो गई थी, जिसे गत दिवस सैंपव बाड़ी बस स्टैंड सैंपव से पुलिस टीम के साथ दस्तयाब किया गया, जिसके न्यायालय के समक्ष 164
के बयान करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। गायब महिला को बरामद करने वाली पुलिस टीम में थाना अधिकारी हेमराज शर्मा के नेतृत्व में गजन सिंह, एएसआई केदार सिंह, हेड कांस्टेबल राम निवास एवं श्रीमती ममता कुमारी कांस्टेबल शामिल रहे। भारत बनेगा विश्व गुरु एक दिन काव्य गोष्ठी का हुआ आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर, अखिल भारतीय साहित्य परिषद शाखा बाड़ी की ओर से यीशु वाले हनुमान जी मंदिर में बाल दिवस के उपलक्ष्य में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सत्यदेव चंसोरिया ने सरस्वती वंदना वीणा वादिनी वरदे प्रस्तुत की। इब्राहिम खान ने भारत का मुसलमान हूँ, भारत का मुसलमान, प्यारी है मुझे गीता, प्यारा मुझे कुरान सुनाकर समरसता का संदेश दिया। जितेंद्र सिसोदिया ने मानव हूँ, फूलों के गुच्छे मन को लुभाते हैं, मंदिर जिसकी सुबह मस्जिद जिसकी शाम होनी चाहिए सुनाई। सुरेंद्र सिंह परमार ने भारत बनेगा विश्व गुरु एक दिन तथा मेरा दिल है पत्थर नहीं इंसान हूँ, ईश्वर नहीं तब ऐसा लगता है, छोड़ सारी सच्चाई को धार कर बुराई को मैं भी धनवान बन जाऊं, बेईमान बन जाऊं सुनाई। राम वकील प्रताप ने मुरझा रहे हैं गुलाब अब करें तो क्या करें गजल प्रस्तुत की। राम अवतार शर्मा ने बूढ़े माता पिता की दयनीय स्थिति से अवगत कराते हुए भाव प्रधान कविता प्रस्तुत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंकज सिंह ने की। इस अवसर पर राजेश राजौरिया, राधेश्याम गोयल, दिनेश शर्मा पूर्व पार्षद, विक्की बाबूजी, नंदलाल बाबूजी, राजीव भाई, प्रताप जी पार्षद प्रतिनिधि, भूपेंद्र भगत जी, ब्रजमोहन, राजेंद्र सिंह, राधे यादव, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र जाट, गांधी यादव आदि उपस्थित रहे। कवि गोष्ठी का संचालन सुरेंद्र सिंह परमार ने किया। देर रात तक श्रोताओं ने कविताओं का प्रशंसा की तथा आनंद उठाया। बगचौली लोधा में बाल दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर, बाल दिवस का अर्थ है बच्चों का दिन। पंडित नेहरू जी ने कहा था आज के बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इसीलिए इन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत है जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और देश का गर्व बन सकें। बच्चों का मन बड़ा साफ होता है, कोई भी चीज बच्चों के मन में असर डालती है, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी अच्छी से देखभाल करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे प्रेरक थे और सदैव सभी को प्रेरित करते थे। 1964 में उनके निधन के बाद चाचा नेहरू की जयंती के दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला लिया गया। इस बाबत संसद में प्रस्ताव भी पारित किया गया और पहली बार 1965 में बाल दिवस मनाया गया। आज तक उनकी जयंती के दिन बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस के उपलक्ष्य पर बगचौली लोधा स्कूल में मेहंदी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिता, चम्मच दौड़, म्यूजिकल चेयर दौड़, डांस प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता, स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति के लिए शपथ ग्रहण करवाई गई। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक गौरी शंकर जोशी, राजकुमार शर्मा, नीलम शर्मा, हरिओम शर्मा, सुमित्रा सिंह, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, इमरता कुमारी, विनोद कुमार, बरगद में नरेंद्र यादव एवं अन्य उपस्थित रहे। जागृति समिति ने मनाया बाल दिवस। धौलपुर की प्रमुख खबर, दिनांक 14 नवंबर 2022 को जागृति समिति धौलपुर ने हरदेव नगर पर राजरानी शिक्षा निकेतन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बच्चों के साथ धूमधाम से मिठाइयां एवं टॉफियां वितरित करके मनाया। इस अवसर पर पुरस्कृत शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्हें बच्चों से विशेष लगाव था, इस कारण उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुरस्कृत शिक्षक संघ के जिला मंत्री सुरेश गोस्वामी ने कहा कि नेहरू जी ने देश में औद्योगिक क्रांति लाकर देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का सफल प्रयास किया। इस अवसर पर मुकेश सक्सेना, नीरज पुरी, भरत शर्मा, पूरन सिंह कुशवा, युक्ता शिवी, दर्शन सिंह परमार, कृष्ण कुमार परमार, सद्दीम खान, दिव कांत सक्सेना, श्री राम बघेला, यीशु कांत आदि लोग उपस्थित रहे। चाचा नेहरू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाचा नेहरू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
गिरावर की बगिया हनुमान मंदिर पर हुआ अन्नकूट का आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर, कस्बा के निकट स्थित गिरावर की बगिया हनुमान मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में युवा कार्यकर्ताओं ने बड़े समर्पित भाव से श्रद्धालुओं को प्रसादी ग्रहण करवाई। कार्यक्रम में राम भरोसी बाबा, गंभीर सिंह निधारा, रामराज निधारा, सतपाल मीणा, राहुल, शिव कुमार बिंदल, भीमसेन सिंगोरई, पुनीत मंगल, धवल सिंह, ऋषि कुमार, रोहित मंगल, सूरज मंगल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। सिंगोरई से भीमसेन की रिपोर्ट। नागरिक विकास समिति द्वारा 15 सूत्री मांग पत्र एसडीएम को सौंपा, बसेड़ी की प्रमुख खबर। नागरिक विकास समिति बसेड़ी द्वारा उपखंड की प्रमुख 15 समस्याओं के निराकरण को लेकर मंगलवार को उपखंड अधिकारी दीपक खटाना को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। महामंत्री सुखराम सिंह एडवोकेट ने बताया कि ज्ञापन में कुंडा कॉलोनी के कुंडा की सफाई कराकर पार्क बनवाने, बसेड़ी मुख्यालय पर DYSP कार्यालय खोलने तथा नवीन तहसील परिसर में आमजन के लिए पानी, छाया, शौचालय, बाउंड्री की व्यवस्था करने, राजकीय उच्च कन्या विद्यालय को क्रमोन्नत कर कन्या महाविद्यालय करने, बसेड़ी उपखंड पर सुलभ कॉम्प्लेक्स एवं सार्वजनिक धर्मशाला के लिए जगह दिलवाकर निर्माण करवाने, हवेली थोक, धोबीपाड़ा, ब्रजेश कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों में नाली निर्माण कर गंदे पानी की निकासी कराई जाए तथा बाजार की तरह गलियों मोहल्लों में भी प्रतिदिन सफाई कराई जाए सहित बसेड़ी कस्बा एवं ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख मांगों को शामिल किया गया। इस दौरान सुखराम सिंह एडवोकेट, महेश सिंह पूर्व कमांडर, होतीराम नागर, सत्यपाल सिंह, डॉक्टर महेंद्र कोहली एडवोकेट, समरवीर सिंह चौहान, राज बहादुर सिंह चौहान, भीम सिंह परमार, ऋषि मुदगल, सरदार सिंह, सुरेश चंद प्रकाश, मुकेश कौशिक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। बसेड़ी की प्रमुख समस्याओं को लेकर के नागर विकास समिति बसेड़ी द्वारा माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से हमने जिला कलेक्टर के नाम से जो ज्ञापन भेजा है, इसमें 15 प्रमुख समस्या है। इन समस्याओं को पूर्व में भी हमने उठाया है, लगातार उठाते रहे हैं, अब इनको भी हमने अवगत करा दिया है। अगर प्रशासन ने इन समस्याओं को गंभीरता से शुरुआत करके इनको हल नहीं किया तो बसेड़ी नागर विकास मंच इसका बहुत ही बड़ा आगे निर्धारण करेगा। तो हमने इसी बात को लेकर के पहले श्रीमान के ये ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि इन समस्याओं को, जो बसेड़ी की वास्तव में प्रमुख समस्या है, नगर पालिका होने के बावजूद भी बसेड़ी में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, अन्य समस्याएं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, तो आज हम सभी ने एक ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर के नाम से और थोड़ा सा साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इनको हल कराएंगे। हम आशा करते हैं कि ये समस्याएं हमारी बसेड़ी की जल्दी शीघ्र हल हो जाएंगी। अगर हल नहीं होती है तो अपन इसका आगे से नगर विकास समिति बहुत ही बड़ा रूप धारण करेगी। ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो। नागर विकास समिति जिंदाबाद। नागर विकास समिति जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। समस्या अच्छा पूरा जी पूरा क्या पता समस्या टीम ऋषि जाट द्वारा बाल दिवस पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई। भरतपुर की प्रमुख खबर, टीम ऋषि जाट बॉक्सर रामू जाट के द्वारा बाल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। टीम के द्वारा बाल दिवस पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई, वहीं प्रथम आने वाले शिव एवं सांची सैनी को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं झुग्गी झोपड़ी पर प्रतियोगिता में भोला एवं सीमा बाबरिया प्रथम रहे, सभी बच्चों को पाठ्य सामग्री एवं मिष्ठान वितरित किए गए। टीम ऋषि द्वारा बाल दिवस पर भरतपुर शहर में विभिन्न 5 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कुम्हेर गेट एवं मानसिंह सर्कल पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों, सूरज पोल सैनी मोहल्ला व कच्ची बस्ती रेलवे कॉलोनी के बच्चों के साथ भी बाल दिवस मनाकर मिष्ठान व पाठ्य सामग्री वितरित की गई। वहीं बच्चों ने टीम के संयोजक ऋषि जाट का खुश होकर माला पहनाकर स्वागत किया। टीम के संयोजक कोरोना वॉरियर्स ऋषि जाट ने कहा, हमें बच्चों की शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान ऋषि जाट, बॉक्सर रामू जाट, एडवोकेट महेश चौधरी, भावना सैनी आदि मौजूद रहे। आज सभी बच्चों का हमने यहाँ पे चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें हमारी बहने जो हमारी लाली ये प्रथम रही थी
और बच्चा प्रथम रहा था ना शील्ड दे के सम्मानित किया गया, सभी बच्चों को पेन दिए, नोटबुक दी गई थी और हमने बच्चों को आगे और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है कि आगे और पढ़ें और ताकि आपको अच्छे से अच्छा इनाम मिले। हमने जो प्रतियोगिता कराई थी इसमें वर्ड मीनिंग और मैथ के फॉर्मूला, हिंदी पढ़ाना, इंग्लिश पढ़वाना, ये काफी एग्जाम और छोटी मोटी जीके के क्वेश्चन, ये नॉलेज ली थी तो बच्चों ने काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिया।